अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं चुका हूँ नई कॉड पैन वीडियो के साथ। आज मैं खेलने वाला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो आज मेरा दिल कर रहा था थोड़ी सी ड्यूटी देने को, सो मैंने सोचा ये वाली गेम ही क्यों ना खेल ली जाए। तो शायद बातें तो होती रहेंगी। यहाँ मैं आ चुका था स्टैंड ऑफ में, लर्न करने वाला था यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ का, बिल्कुल न्यू खेलने लगा हूँ। तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ में हम लैंड करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वगैरह गन मिलती है और कौन सी अच्छी नहीं मिलती। इस पर कोई अच्छी उच्ची बुरी का गन का अंदाज़ा भी नहीं है मुझे, कौन सी वाली सही है और कौन सी वाली नहीं है। तो खैर, यहाँ पे जो भी मिलेगी ना हम उठा लेंगे यहाँ से गन, और फिर देखेंगे अभी क्या होता है आगे। तो यहाँ पर मैं गन वगैरह ही तलाश कर रहा था कौन सी होगी। ये चिकोन पड़ी हुई है और चिकोम पता नहीं क्या नाम है इस गन का। तो यहाँ पे मैं 7 की एमो उठा लेता हूँ, मुझे पता था ये काम आएगी आगे, किसी न किसी गन में तो पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी गन मिलती है ना तो मैं उठा लेता हूँ, चिकोन भी उठा लेता हूँ मैं। और एक मैंने, मेरा ख्याल है वो वाली गन दूसरी थी, मैंने ख्याल है शॉट गन थी मेरे पास एक दूसरी, वो वाली उठाई हुई थी। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे बंदे वगैरह कोई लैंड हुए कि नहीं हुए, फ़िलहाल मैं ही यहाँ पे हुआ था। एक बंदा मैंने देखा था यहाँ पे लैंड होता हुआ, लेकिन वो भी बंदा नज़र नहीं आया कहाँ पे गया। वो भी लूट शूट कर रहा होगा दूसरी साइड पे। तो मुझे थोड़ा सा उसका ना फुट आते हैं, तो वहाँ पे मैं चलता हूँ, मुझे नज़र आ जाता है वो बंदा इधर छुपा होता है। और भाई साहब, मैं देखता हूँ कि अपनी कौन सी गन निकालूँ, क्योंकि इस गन का अंदाज़ा नहीं है कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। और यहाँ पर भाई बंदा नज़र आ जाता है मुझे, इसको मैं यहाँ पर भाई फिनिश कर देता हूँ। और इसको मारने के बाद इसकी थोड़ी लूट करते हैं भाई। लूट शूट करने के बाद फिर मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और भागता हूँ। यहाँ पे ना गाइस पता नहीं क्या सीन है, बंदे यहाँ पे आए नहीं थे जहाँ पे मैं लैंड हुआ था। तो बस मैं देख रहा था कि बंदा नज़र आ जाए, बस यही बेचारा मुझे नज़र आया था। और यहाँ पे थोड़े घर की तलाशी वगैरह लेंगे यहाँ पे जितने भी घर हैं। लेकिन यार इसके ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक है यार इसके। तो जैसे ही भाई मैं ऊपर लूट शूट करने आ रहा हूँ, मुझे एक और बंदे के नीचे फुट नज़र आ जाते हैं, फुट दिखाई देते हैं। तो मैं इसका देखता हूँ वो बंदा कहाँ है, ऊपर या नीचे है। तो मैं देखने की पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो दूसरी साइड में मेरे ख्याल से होता है वो बंदा। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ उस बंदे को जाके फ़ौरन से, लेकिन वो बंदा यहाँ पे भी नज़र नहीं आता, वो अंदर चला जाता, वो सामने ही होता भाई। ये शॉट गन होती है मेरे पास, इसी शॉट गन से भाई इसको मैं ना फिनिश कर देता हूँ, स्वाह हो जाता है ये शॉट गन से। और यहाँ पे मैं फ़ौरन देखता हूँ, फिर थोड़ी सी और लूट शूट करता हूँ। इस बंदे के भी की है मैंने लूट, और आगे मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ पे जाऊँ और कहाँ पे ना जाऊँ। तो खैर, यहाँ पे मैं भागता हूँ, और काफ़ी देर भागने के बाद भाई साहब यहाँ पे कोई बंदा बुंदा मुझे नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे मैं पहाड़ी पे चढ़ जाता हूँ यहाँ पे, और नीचे मुझे ना कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं गोलियाँ चलने की। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ पर गोलियाँ वगैरह चल रही होती हैं। तो यहाँ पर जोन भी आने वाला था, मैं भाग रहा था काफ़ी ज़्यादा भागने के बाद भाई साहब, लेकिन जहाँ से गोलियाँ चल रही थी ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे गोली चल रही है। वहाँ पे मुझे एक बंदा नज़र आता है और भाग रहा होता है बेचारा, तो मुझे नज़र आ जाता है। लेकिन मुझे डर भी था ये कहीं मार मोर ना दे, ये वाली अच्छी गन है जो मैंने पकड़ी हुई है। और उस बंदे को भाई मारा भाई, इसने भी दूर से अच्छी मारी है। तो गाइस इसकी जाके हम देखेंगे, लूट शूट करेंगे। और भाई साहब इसकी मैंने किया लूट, और वैसे ही जैसे ही मैं उस एरिया से जैसे ही मैं निकल के आता हूँ, उनमें पीछे से मुझे ना गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ बंदा कहाँ भी है, लेकिन वो बंदा मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन भाई उसकी ना फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, वो सामने लड़ रहे होते हैं बंदे दो आपस में। मैं हील वगैरह कर रहा था, मैंने सोचा यार हील शील कर ले अच्छा होता भाई, पता नहीं उनके पास कौन सी गन होगी कहाँ सी नहीं। और यहाँ पे मैं फ़ौरन इनकी तरफ रश करने का सोचता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसका जो है ना किल मैं ही चोरी कर लूँ। और जैसे मैं उसकी तरफ भाग रहा होता ना भाई, पीछे से एक और बंदा आ जाता है। अब पीछे से एक और बंदा आ जाता है भाई, तो मैं घबरा जाता हूँ उस वाले बंदे से ना, मेरा ध्यान हट जाता है, लेकिन वो बंदा एकदम से गायब हो जाता है, वो बंदा पता नहीं कहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे फिर हील शील कर रहा हूँ, अभी मैं फिर आगे पीछे देख रहा होता हूँ कोई आ ना जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से उसकी तरफ जाता हूँ, लेकिन वो बंदा यार गायब हो जाता है एकदम से, पता नहीं वो बंदा कहाँ पर चला जाता है। तो गाइस देखो फिर वो बंदा कहाँ पर जाता है, आप लोग देखो। मैंने यहाँ पे भी देखा, सब कुछ मैंने देखा है, लेकिन वो बंदा मुझे नज़र नहीं आया। पता नहीं ज़मीन में चला गया, पता नहीं सवा बन गया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है इसको बंदे का। बंदा गया तो गया कहाँ यार,
कॉल ऑफ ड्यूटी के खतरनाक खेलों में बस ऐसे ही होता है। और भाई वो बंदा अचानक से मेरे सामने आ जाता है, और भाई मैं यहाँ पे देखता हूँ, वो जैसे ही मैं देखता हूँ वो फायर स्टार्ट कर देता है। और मैं अभी इसको दो ही, मेरे ख्याल से कि चार पांच ही पड़ी होगी, ये पहले से मेरे ख्याल से पिट के आया होगा कहीं से, इसने हील इसके पास होगी नहीं, और बेचारे को दो ही पड़ी है मुझसे, और भाई ये तो सवा हो गया। और फिर मैं यहाँ से निकलने का सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जोन भी आ रहा था, मैं सोचा जोन से भी निकल जाए, क्योंकि इसका डैमेज भी पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं होता। तो यहाँ से मैं भाग जाता हूँ फ़ौरन से, भाई मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा भागने के बाद गाड़ी वगैरह भी कोई दी नहीं थी, यहाँ की बाइक का भी बेड़ा गर्क है, सही तरह से चलती भी नहीं है। तो मैं जोन से जैसे ही भाग रहा होता हूँ ना भाई, पीछे एक मुझे फिर भाई फायर की आवाज़ आती है, पड़ रही होती है मुझे, जैसे एक बंदा मार रहा होता है, और ये आपस में मेरे ख्याल लड़ रहे होते थे भाई। मैं देखता हूँ, जब मैंने सोचा थर्ड पार्टी कर दूँ यहाँ पे, अच्छा होगा भाई, किल शिल भी मिल जाएगा भाई। ये एक ही बंदा था, पता नहीं किसको मार रहा था, उसने स्मोक भी कर रखी थी। यहाँ पे नीचे बंदा आ जाता है, मुझे नज़र नहीं, से तकरीबन एक दो ही पड़ती है मेरी, और बाद में वो बंदा ऊपर आने की सोचता है कि यार मैं ही इस पर रश कर दूँ, ये तो आएगा नहीं। फिर मैं सोचा मैं ही रश कर दूँ इससे पहले पहले कि वो मुझ पर रश करे। वो बंदा ऊपर चले जाता है, मैं नीचे आ जाता हूँ, वो बंदा दरख्त के नीचे छुप जाता है। यहाँ पे भाई बहुत ही मुश्किल से मैं बचा, इसके पास गन भी अच्छी थी। आप लोगों ने देखा कि इसने बस मुझे एक दो ही मारी, और मेरी आधी से ज़्यादा मेरी पावर है ना वो चली गई, मेरी फुल पावर थी भाई। अगर भाई एक जगह पर मैं स्टे कर जाता ना, ये बंदा मुझे सवा कर देता, सही बता रहा हूँ। तो खैर इसकी यहाँ पर लूट छूट की, यहाँ पर भी हमने बच गए भाई, चलती फिरती लाशें हैं तो क्या करें। तो जोन आ रहा था तो मैं यहाँ पे रुका हुआ था, लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा था लाइक कहाँ पे जाऊँ, और भागता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे गंदा लैग होता है मेरा एकदम से, गंदा रिकॉर्डिंग, हर चीज़ मेरी बंद हो जाती है। और जैसे मैं फिर यहाँ पे अंदर आता हूँ ना, ये बंदा आ जाता है यहाँ पे, और इसको भी फ़ौरन से फिनिश करते हैं, और इसको हम भेज जाते हैं जहन्नुम में, और ये भी सवा हो गया। वही मेरे ख्याल से ये एक ही बंदा था, और फिर से जोन आ गया यार, ये जोन बहुत ही जल्दी इसमें आता है। और जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ भी स्टे कर रहा था भाई, जोन आ ही जा रहा था, आ ही जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये जोन है के कुत्ते हैं जो पीछे पड़ गए हैं भाई। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने काफ़ी भागा, लेकिन यहाँ पर कोई मुझे बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह नहीं नज़र आई। यहाँ की जो बाइक है ना एकदम घटिया है भाई, और यहाँ पे मुझे एक बाइक मिल जाती है, बाइक लेके मारता हूँ, बहुत ही गंदी बाइक है गाइस ये वाली, ना पता चलता इसकी ब्रेक लगती है, खुद ब खुद नहीं ब्रेक लग जाती है अगर रेस छोड़ोगे तो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, दो तीन बंदे ना यहाँ पे आपस में लड़ रहे होते हैं, दो स्क्वाड होते हैं जो आपस में भिड़ रहे होते हैं। मेरे पास हीलिंग भी नहीं थी, मैं यहाँ पे कवर लेने की कोशिश की, लेकिन भाई जोन आ गया था, मैं सोचा निकलने में ही भलाई है यहाँ से। और जैसे मैं निकल रहा होता हूँ ना, एक बंदा मुझ पर बहुत ही गंदा फायर करता है, बहुत ही गंदा फायर करता है मुझ पर, और आधी से ज़्यादा तकरीबन मेरी 5 HP रह जाती है। और यहाँ पे मैं फ़ौरन से हेल्थ किट लगाता हूँ अपनी, और फ़ौरन से वो बंदा मुझे देख रहा होता है, लेकिन अच्छा प्लेयर था ये भी, इसने काफ़ी ज़्यादा मुझे डैमेज दिया था। और गाइस यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे भी गंदा लैग हुआ मेरा गंदा, और यहाँ पे भी इस बंदे को सवा किया, इस बंदे को भी भेजा लो भी मैं, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी ऊपर आ गया था, और सामने भी एक बंदे लड़ रहे थे, लेकिन वो पता नहीं बंदे कहाँ पे थे, मुझे दूर से एक बंदा नज़र आया था, लेकिन वो फिर वो भी यहाँ पे हो गया। इसकी करेंगे हम लूट, लूट छूट करेंगे। फिर जोन हमारे सर पर था, फिर मैं भागा यहाँ से, वो भाग के भाई यहाँ पे छुप छुप गया। यहाँ पे बंदे ना भाई, जैसे जैसे जोन करीब आ रहा है ना, बंदे भी आसपास ही होते हैं, तो बंदे यहाँ पर बचे होते हैं 19, मुझे निकाल के 18 बंदे बचे हो चाहे गाइस। और जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, मुझे एक बंदा भागता हुआ नज़र आता है, और यहाँ पे मैं फ़ौरन से गाड़ी भी बता जाता हूँ, उसने मुझे ख्याल से देखा नहीं था, ये वरना मुझे शुरू से सामने ही गोली मार के मुझे शूट कर देता, और भाई हम जाते लॉबी में। और जैसे ये बंदा भागता हुआ आता है, ये पता नहीं डर की वजह से भाग रहा था, उसकी मेरे ख्याल से पावर भी बहुत ज़्यादा कम थी, और बेचारे को चार पाँच ही लगी, और ये भी मतलब बेचारा शवा हो गया शवा। उसको भी हमने मारा, और हम बादे सीधा सीधा पहाड़ के ऊपर बाहर गिते हैं। अब गंदी बहुत है गाड़ी गाइस, ये चलाता वगाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मजबूरी थी, जोन आ रहा था, मैंने कहा जैसी भी है ना पकड़ लो। और जैसे ही यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ ना भाई, यहाँ पे बंदे आपस में भिड़ रहे होते हैं, तो मैं भी थर्ड पार्टी करने का सोचता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ बंदे कहाँ पे गए हैं, और बंदे मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, वो सामने किसी घर में ना भाई बंदे लड़ रहे होते हैं, तो बंदे लड़ रहे होते हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे काश बंदे नज़र आ जाएं तो इसको फ़ौरन से पटाख के मारेंगे। और जैसे मैं लूट करता हूँ थोड़ी सी, और यहाँ पे जैसे मैं खिड़की के पास खड़ा होता हूँ ना गाइस, मुझे नीचे एक बंदे का फुट आ जाता है,
और मैं देखता हूँ कि बंदा कहाँ पे है। तो एक बंदा मुझे वो छुपा हुआ नजर आता है, पता नहीं पेशाब कर रहा था, पता नहीं वॉशरूम में बैठा हुआ है। देखो यार एकदम से छुपा हुआ था, मतलब लूट कर रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इस बंदे को भी मैंने मारा, और भाई इसको ना काफ़ी अच्छा डैमेज हुआ है। तो ये बंदा हील कर रहा था, मैं सोचा यार फ़ौरन से इस पर रश कर दूँ, पावर इसकी बहुत ज़्यादा कम होगी। और ऐसा ही मैंने किया भाई, काफ़ी अच्छा प्लेयर था ये भी। और ये भाई टिक ना पता चिक्का उन के आगे, और पूरी मेरी बर्बाजी, पूरी 85 गोली मेरी खा गया भाई। तो इसको भी हमने सवा किया, इसको भी हमने भेजा लोबी में। और यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ, पीछे बंदे बच जाते हैं तीन, और मैं देखता हूँ वो बंदे कहाँ पे हैं। बंदे बिल्कुल एकदम सांप बने हुए थे, तो काफ़ी खतरनाक काम हुआ पड़ा था यहाँ पे। मैं काफ़ी ज़्यादा देखा यहाँ पे बंदे मुझे नज़र नहीं आए, सांप बने हुए थे कहीं पे, पता नहीं कहाँ मरे हुए थे बंदे। पेटियाँ पेटियाँ पड़ी हुई थी भाई यहाँ पे, डब्बे डब्बे थे यहाँ पे बस बंदों के। तो मैं देख लेता हूँ वो बंदे कहाँ पे, मुझे कोई भी बंदा वहाँ पे ना गाइस नज़र नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे निकल लूँ या क्या करूँ, लेकिन भाई आगे पीछे भी बाहर भी जाऊँगा ना, बाहर भी खतरा है कि कहीं बंदे सांप ना बने और भाई अपना कबाड़ा कर दे भाई। काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई नीचे छलांग लगा दूँ और भाग जाऊं। फिर मुझे सामने की तरफ ना एक शक पड़ता है कि सामने घर वाले ना एक बंदा है वहाँ पे, वो मैं ग्रेनेड कर देता हूँ वहाँ पे। लेकिन शक था, यकीन नहीं था वहाँ पे बंदा है, लेकिन खैर तुक्का लगाया था मैंने तो। और गाइस यहाँ पे जैसे ही तुक्का लगाया ना भाई, मैं बाहर की तरफ देखता हूँ, बड़ी सी टैंकी थी, मैं देखा हूँ टैंकी पे ना चढ़ा हो भाई, लेकिन टैंकी पे भी कोई नहीं था। जैसे ही यहाँ पे मैं आसपास देख रहा होता हूँ ना भाई, एक ही बंदा मुझे भागता हुआ दिखाई देता। ओ भाई इसने मुझे शायद से नहीं देखा इस बंदा। ओ भाई ये बंदा पता नहीं जादूगर था, पता नहीं क्या था। आगे देखना गाइज ये बंदा कहाँ पे गायब हो जाएगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा। ये बंदा ऊपर डर के मारे आता नहीं, ऐसे पता बंदा ऊपर होता है और ये आता नहीं है। ये गाइज ये देखना ये बंदा जाएगा कहाँ, नज़र ही नहीं आता, क्योंकि बंदे हम बचे थे दो। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पे रश करूं और एक बंदा पीछे छुपा और वो पीछे से पेल दे और ये आगे से पेल दे। मैं नहीं चाहता था कोई गलती यहाँ पे हो जाए। तो ये बंदा ऊपर भी आना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे देखा ना भाई, उसने सोचा कि भाई मैं पीछे ही अड़ जाऊँ तो अच्छा है। तो मैं रश करने का सोचता हूँ कि भाई इसे पेल ही दूँ, चाहकर ये भाग ना जाए, ये भी कि लास्ट से जाएगा। तो बंदा नज़र नहीं आया मुझे, उसके बाद भी बंदा कहाँ पे गया। मैंने बंदे को काफ़ी देखा, लेकिन यार बंदा नज़र ही नहीं आया। मैंने देखा भी है सामने घर में भी देखा, सारा देखा भाई, वो बंदा गायब हो गया, एकदम से गायब हो गया भाई। पता नहीं क्या था, सांभरे जादूगर था, पता नहीं क्या था, भाग गया कमीना। तो मैं सोचता हूँ ऊंची चोटी पे चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जोन आ रहा था और जोन भी खुले में था। बस एक किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे भाई ये पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं इसे, एयर ड्रॉप पड़ा हुआ था। मैं उस बंदे को काफ़ी देखा, लेकिन वो बंदा भाई मुझे नज़र नहीं आया। बंदा भाई मुझे शक पड़ता बंदा नीचे होगा, तो मैं सोचता हूँ ग्रेनेड करने की, क्योंकि ग्रेनेड ही मेरे पास। और यहाँ पे मैंने ना रैंडम फायर की कि हो सकता है वो बंदा रैंडम फायर सुन के ही सामने आ जाए, लेकिन वो बंदा नहीं आया। तो मैंने ग्रेनेड करने का सोचा, ग्रेनेड मैंने वहाँ पर किया, लेकिन वो बंदा नहीं था वहाँ पे भी। ओ गाइस पता नहीं कहाँ पे चला जाता है, मेरे ख्याल से वो खुद को पता नहीं, वो नेड कर देता है खुद को, पता नहीं क्या कर देता है, मुझे नहीं पता। नीचे जाने का फैसला करता हूँ मैं, देखा कि भाई वहाँ पे बंदा कोई भी नहीं है, पता नहीं वो बंदा कहाँ पे मर गया। मेरे ख्याल से गाइस ये बंदा ना किल नहीं किसी को देता, और कमीना इतना होता है कि ये खुद ब खुद ही जोन में मर जाता है, खुद में मेरे ख्याल नेड कर लेता खुद पे, ये मर जाता है। कुछ जैसे मैं भाग रहा होता हूँ भाई, मुझे एक बंदा नज़र आ जाता सामने, वो भाई सांप भी बना हुआ था, ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने बचा। यहाँ पे होता है विनर, विनर भाई विनर।